इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हे एवरीवन, मैं हूँ किरण और इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट मंथ जून में मैंने आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर किया था और वो था जेनेक्स स्टूडेंट्स के लिए, राइट। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इनकेस आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आपको वो वीडियो चेक करना है। तो मैं क्विकली आपको बता दूँ कि जो जेनेक्स स्टूडेंट्स है, ये आपको हेल्प करता है ट्यूटर ढूंढने में। जी हाँ, आपको घर से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है या कहीं पर भी फ़ोन नहीं लगाना पड़ता है कि यार मेरे लिए ट्यूटर ढूंढो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप जेनेक्स स्टूडेंट्स को बता दीजिए, वो आपके लिए बेस्ट क्वालिटी वाले टीचर्स ढूंढ के लाएंगे और वो भी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और हाँ, आप सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें आपको कहाँ करनी है, इनकी एक वेबसाइट है, इनका एक ऐप है, दोनों में से एक जगह पर आप जाकर अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए और आपको बेस्ट क्वालिटी वाले जो टीचर्स है ट्यूटर्स है आपके बच्चे के लिए मिल जाएगी, राइट। अभी आप सोच रहे होंगे बस इतना ही या और कुछ भी, और बहुत कुछ जो मैंने एक पूरे मंथ एक्सपीरियंस किया है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्चुअली बताना चाहूँगी यहाँ पर इस वीडियो में, क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जेनेक्स स्टूडेंट्स जो है एक अलग ही दुनिया बसा देगा इस ट्यूटर की लाइफ में। मतलब मुझे नहीं पता था कि ट्यूटर वाली चीज़ें इतनी बेस्ट और बहुत ही अच्छी हो सकती है। लास्ट मंथ एक जो टीचर हमने मंगवाई थी जेनेक्स स्टूडेंट्स से, और वो टीचर आई, उन्होंने अपना एक डेमो क्लास दिया और उसके बाद हमें वो टीचर अच्छी लगी, हमने उन टीचर के साथ कंटिन्यू 1 मंथ तक क्लास लिया, ठीक है। वही सारा जो एक्सपीरियंस मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरा ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, वो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल का एक्सपीरियंस मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको ये सारी चीज़ें बताने के लिए। अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको जैसे पता ही है कि लास्ट मंथ जब हमने जो टीचर को बुलाया था वो एक डेमो क्लास देकर गई थी, और उस डेमो क्लास में उन्होंने अनिका का एक लेवल जानने के लिए एक एग्ज़ाम लिया था जो कि था बेंचमार्क टेस्ट। बेंचमार्क टेस्ट होता है जेनेक्स स्टूडेंट्स की तरफ से। तो वो जो टीचर आई थी उन्होंने एक बेंचमार्क टेस्ट अनिका का लिया था जानने के लिए कि अनिका कितनी चीज़ों को जानती है, कहाँ पर वीक है, कहाँ पर उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। वो एक आई थिंक 15 या 20 मिनट का टेस्ट उन्होंने लिया था अनिका से मोबाइल में ही, और अनिका ने वो जो टेस्ट है वो दे दिया था, और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर ने समझा कि अनिका को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और उसे किस तरह से वो तैयार कर सकती है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और उसी के साथ वो टेस्ट का जो रिपोर्ट है या जो भी रिज़ल्ट है वो हमारे साथ भी उन्होंने शेयर किया था कि वो कहाँ पर वीक है, कहाँ पर उसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह से मैथ्स और आई थिंक साइंस का भी वो टेस्ट लेते हैं, अनिका का मैथ्स का हुआ था, बट बहुत ही अच्छे से उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि अनिका एक्चुअली कहाँ पर वीक है, और वो चीज़ मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी। सो इस चीज़ से ये होता है कि जब भी बच्चे की एग्ज़ाम्स वगैरह आती है तो एग्ज़ाम में जब हमें पता चलेगा बच्चा मार्क्स लेकर आएगा, तब हमें पता चलेगा कि बच्चे ने कहाँ पर कम लिखा है, ज़्यादा लिखा है, राइट। इस बेंचमार्क टेस्ट की वजह से एटलीस्ट आपको अभी से पता चल गया है कि आपका बच्चा कहाँ पर वीक है, लेवल क्या है उसका, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाती है। उसी के साथ इनका जो ऐप है उसमें एक फ़ीचर था अटेंडेंस वाला, ये फ़ीचर मुझे काफ़ी पसंद आया। कई बार मैं घर से बाहर होती हूँ या फिर आप वर्किंग है तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको नहीं पता है कि ट्यूटर कितने बजे आए, कितने बजे गए, राइट। तो इनके इस ऐप में वो सारी चीज़ें इंस्टेंटली इमीडिएटली पंच हो जाती है। जैसे समझ लीजिए कि मैं घर पर नहीं हूँ और अनिका की दादी और अनिका या फिर पूजा घर पर थे, और ट्यूटर 5 बजे आए और 6 बजे चले गए, तो मुझे नहीं पता है, मुझे ये पता है कि हाँ 5 बजे आने वाले हैं ट्यूटर पर,
कंफर्म वो आए हैं नहीं आए हैं ये कैसे पता होगा। तो वो जो ट्यूटर है वो आते हैं, वो पंच कर देते हैं टाइम जब वो आते हैं, और जहाँ पर उनका क्लास ख़त्म हो जाता है वहाँ पर वो टाइम पंच कर देते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगता है कि जो नॉर्मली टीचर भी आते हैं घर पर, उन्हें हम लोग, अगर मैं बाहर हूँ तो मैं उन्हें फ़ोन करूँगी, फिर उन्हें पूछूँगी क्या टीचर आप आ गए हैं नहीं आए हैं। सो ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा अटेंडेंस फीचर वाला, जिसके बारे में मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। सो पेरेंट ऐप जो है जेनेक्स स्टूडेंट्स का, उसमें ये सारी डिटेल्स आपको आराम से मिल जाएगी और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हर एक चीज़ आपको पता चल रही है। सो ये जो पेरेंट ऐप है जेनेक्स स्टूडेंट्स का, ये बेस्ट है हम सारे पेरेंट्स के लिए। इनकेस अगर आप भी जेनेक्स स्टूडेंट्स के पेरेंट ऐप पर है तो आपके लिए भी ये बेस्ट है, मेरे लिए भी बेस्ट है कि हमें पता चल जाएगा कि ट्यूटर कितने बजे आए और कितने बजे गए। उसके बाद 100% रिप्लेसमेंट गारंटी, इन केस आपके घर में जो ट्यूटर आ रहे हैं वो आपको बहुत पसंद नहीं आ रहे हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छा मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपका बच्चा बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो यस आप उन्हें चेंज कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, और जेनेक्स स्टूडेंट्स आपको वो चेंज करके न्यू रिप्लेसमेंट ट्यूटर दे देंगे। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि ट्यूटर को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको 100% रिप्लेसमेंट गारंटी मिल जाएगी। देखिए आप सभी जानते हैं और मैं भी ये बात डेफिनेटली जानती हूँ और मानती हूँ कि प्रैक्टिस करने से ना कोई भी परफेक्ट हो सकता है। सेम हमारे बच्चों के साथ है, वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, राइट? और जेनेक्स स्टूडेंट्स भी ये सारी चीज़ों में बिलीव करता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर टाई अप किया है। और ये देखिए NCERT की वर्कबुक 3 मेरे पास है, जिसकी मदद से अनिका अपना प्रैक्टिस करती है। जो उसके ट्यूटर है वो उसे इनकी मदद से अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं हर एक चीज़ में। जैसे ये है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये है मैथमेटिक्स और ये है इंग्लिश। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए इस तरह से वो प्रैक्टिस भी लेते हैं। सो ये एक्स्ट्रा हो जाता है, होमवर्क बच्चा कर रहा है, स्कूल में जो पढ़ रहा है वो तो हो रहा है, पर उसी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए ये NCERT की जो बुक्स है उनकी मदद से परफेक्टली हो रहा है। अब इनका एक सबसे अच्छा वाला जो फीचर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको बार बार ट्यूटर को फ़ोन करके बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप पर आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो रेज कर देनी है और हो गया। समझ लीजिए आज आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको ट्यूशन नहीं चाहिए, बस आप ऐप पर जाकर बोल दीजिए, एक आपको वहाँ पर रेज ऑफ कंसर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप बोल देते हैं, जेनेक्स स्टूडेंट्स खुद ट्यूटर से कांटेक्ट करके उन्हें इन्फॉर्म कर देगा। मतलब आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी कंसर्न है आप जाइए रेज करिए अपने कंसर्न को और वो क्विकली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आपको फ़ोन करके बार बार किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना पड़ेगा और आपका काम अपने आप हो रहा है, क्विकली इमिडिएटली हो रहा है। रिसेंटली जब मैं बाहर गई थी और मैं वो ट्यूशन जो है अनिका का नहीं ले पा रही थी, तो मैंने बस कंसर्न वाले जो कॉलम में अपना जो भी प्रॉब्लम है वो रेज कर दिया था और ट्यूटर को पता चल गया था, मुझे ट्यूटर को फ़ोन करके अलग से इन्फॉर्म करना नहीं पड़ा। तो ये वाला जो ऑप्शन है इनके ऐप का मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सोच रहे है कि पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा, इनके पास सारे मोड ऑप्शन है पेमेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या आप जैसे भी मतलब पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन सारे ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी आपको मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस पेमेंट कर दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। और एक चीज़, जेनेक्स स्टूडेंट्स को अगर आप प्रेफर करते हैं ना तो डेफिनेटली आप अर्न कर सकते हैं, इसलिए अगर आपको जेनेक्स स्टूडेंट अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में पक्का इसे रेफर करें, अगर कोई भी ज्वाइन करेगा तो आपका तो पक्का ही फ़ायदा होगा। और एक जो फीचर है रियल टाइम अपडेट, ये वाला फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस फीचर में मुझे हर एक चीज़
क्विकली इमीडिएटली पता चल जाती है। अगर मुझे देखना है कि मैंने कितने दिन अनिका का ट्यूशन करवाया है या लिया है, यहाँ पर मुझे पता चल जाता है। उसी के साथ सारे जो असेसमेंट होते हैं बच्चों के, वो सारी चीज़ों का वहाँ पर आपको जो भी मतलब अप्स एंड डाउन्स जो भी है, मतलब हर एक चीज़ जो लेवल है, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। मतलब ये एक ऐसा इन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐप को डिज़ाइन किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाती है। आपको कुछ समय देना है, आपको चेक करना है और आपको सारा जो डेटा है आपके बच्चे का वो मिल जाएगा कि उसने कौन से दिन कितने घंटे क्लास ली है, कितना उसने अपने आप को तैयार किया है, कितनी चीज़ों में वो अच्छा है, कौन सी चीज़ों में वो वीक है। हर एक चीज़, हर एक डेटा यहाँ पर फीड है, आपको बस उसे एक बार चेक करना है, हो गया। मतलब यार ऐसी मतलब चीज़ें नॉर्मल ट्यूटर डेफिनेटली नहीं देते। जो हम लोकल या नॉर्मल ट्यूटर लगाते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं देते, पर जेनेक्स स्टूडेंट्स ने एक्चुअली ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इतनी आसान बना दी है और इतनी बेस्ट बना दी है, जिसे आपको यूज़ करने में भी ना काफ़ी अच्छा लगता है। आप खुद भी अपडेटेड रहेंगे कि आपका बच्चा कहाँ पर है, क्या पढ़ रहा है, मतलब कहाँ पर है, मतलब उसकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है, क्या बाकी है, एवरीथिंग आपको सब पता चल जाएगा। वीकली टेस्ट हो, जो भी हो, हर एक चीज़ का जो भी रिजल्ट है, डेटा है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इट्स समथिंग लाइक गेट अपडेट ऑन दी गो। कितना सिंपल है ये सारी चीज़ें। लाइक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये पूरे मंथ के एक्सपीरियंस से, और इसीलिए मुझे ऐसे लगा कि मैं आपके साथ क्विकली बताऊँ। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था लास्ट मंथ कि मैं इस मंथ आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअल में कैसा रहा। तो डेफिनेटली बेस्ट रहा, और आप सभी को हाईली रिकमेंड करती हूँ इनकेस आप अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह से अपग्रेड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सच्ची में आपको भी इन सारी फीचर्स को यूज़ करके अपने बच्चे को आगे जाते हुए देखकर बहुत खुशी होने वाली है, बहुत ज़्यादा। और मैंने एक्चुअली अनिका में बहुत अच्छा डिफरेंस देखा है, और इसीलिए मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंटली, इतनी हैप्पीली बता रही हूँ। सो जितनी भी इस ऐप की चीज़ें हैं, डिटेल्स है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, उन सबको चेक ज़रूर करिएगा। इनकेस कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं अगर सॉल्व नहीं कर पाई हूँ, तो जस्ट लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स एंड मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगी। लास्ट टाइम बहुत मुझे क्वेश्चन आए थे कि फ़ीस कितनी है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, कितने पैसे देने हैं। सो इस चीज़ के लिए मैं आपको इतना बोलूँगी कि आप इनकी वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ उससे अच्छा है कि आप खुद इनकी वेबसाइट पर जाकर ये सारी डिटेल्स जो है अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले मंथ जेनेक्स स्टूडेंट्स के अगले अपडेट के साथ कि मेरा अगला मंथ कैसा गया, मतलब जुलाई का पूरा मंथ कैसा गया, वो आपको मैं बताऊँगी अगस्त मंथ में, ठीक है। तो मिलती हूँ अगस्त में जेनेक्स स्टूडेंट्स की कुछ और चीज़ों के साथ, फिर हम लोग एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि सच्ची में ये बहुत अच्छा है या ऐसा ही है। सारी चीज़ें अगले मंथ एक बार फिर से मैं आपको बताऊँगी, अभी तक तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।